इस खबर के प्रायोजक है होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने यह साल मध्य प्रदेश में चुनाव का साल है और ऐसे में मध्य प्रदेश की जनता को 2023 में या तो नई सरकार देखने मिलेगी या फिर यही सरकार यानी कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार रिपीट होगी हम आपको बता दें इसी क्रम में तमाम विधायक जनप्रतिनिधि और कह सकते हैं कि होने वाले प्रत्याशी अपनी अपनी विधानसभाओं में सक्रिय हो गए हैं इसी क्रम में महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित अपनी विधानसभा में पिछले कई वर्षो से काम करते आए हैं और अभी भी एक ग्रामों का भ्रमण कर रहे हैं इस यात्रा को गांधी चौपाल एवं वृद्धजन सम्मान का नाम दिया गया है यह यात्रा आज मजगुबा नेगमा गुदारा डिगपुरा और बदौर में पहुंची है और यह कार्यक्रम जनसंवाद का कार्यक्रम यानी कि अपनी विधानसभाओं के लोगों से बात करने का कार्यक्रम इस यात्रा में चल रहा है यह यात्रा एक ग्र... एक ग्रामों का भ्रमण करके महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित गांधी चौपाल के नाम से गांव गांव जाकर वृद्धजन और महिलाओं का सम्मान करते नजर आ रहे हैं हम आपको बता दें यह यात्रा फरवरी तक चलेगी और इसके बाद अप्रैल माह में एक और यात्रा करने का निश्चित किया निर्णय न... लिया है महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने इन तमाम चीजों को लेकर हमारे चैनल हेड लोकेश चौरसिया ने बातचीत की खास बातचीत की महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित से आइए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित ने नया साल आया वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है और यूं कहें कि अब विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भी बिबुल बच चुका है शंखनाथ हो चुका है और हमारे पीछे की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं नेताओं का गाँव में जाना शुरू हो गया है गाँवदारी हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत हमारे साथ महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित जी मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये शुरुआत की गई है और शंखनाथ दो हजार से कहा जा सकता है क्या नीरज जी स्वागत है आपका वरदान बहुत बहुत धन्यवाद भैया बहुत सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है दो में विधानसभा चुनाव है तो इसको क्या विबुल फुकना कह सकते हैं कि शुरुआत आपने कर दी है पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि कोई चुनाव की तैयारी नहीं है कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां हम दो चार महीने चार महीने में नहीं जाते हों हम उसमें जाने का एक बहाना ढूंढते हैं और जिस तरह पूरे क्षेत्र ने हमें अपने एक परिवार के सदस्य के रूप में अपनाया है सेवा करने का मौका दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हर घर के अपने परिवार के मुखियाओं का सम्मान करना और ये पहली बार नहीं हम कर रहे हम अपने जन्मदिन पर हर वर्ष वरिष्ठ जन कई लोगों का सम्मान ऐसा है जो जो वृद्ध हैं विकलांग हैं इनका करते थे लेकिन एक दिन मन में ख्याल आया कि हम उनके घर जाके क्यों ना करें तो केवल हम उनके गांव, उनके घर जा जा कर उनका सम्मान कर रहे हैं अच्छा सोशल मीडिया पे जो दो दिनों से चल रहा है पहले उस पर पूर्ण नाम लगा दीजिए कि ये कम्बल बांट कर राजनीति क्या ये तो सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं नेताओं का जाना विधायकों का आपका डर नहीं है कई नेताओं के लिए लिखा गया है तो इस पर थोड़ा सा हम पूर्ण विनाम चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं आप इसमें कोई राजनीति नहीं है अगर कोई अपने बुज़ुर्गों के सम्मान को राजनीति कहे तो गलत है हम अपने केवल बुजुर्गों का सम्मान कर रहे हैं अपने परिवार के मुखियाओं का सम्मान कर रहे हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं जिस तरीके से 2023 का शुरुआती दौर है जनवरी का महीना है इसी माह में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं कांग्रेस किस तरीके से तैयारी कर रही है क्योंकि अभी मौका मिला था 2018 में 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही तो इस बार किस तरीके से तैयारी में झोंक देंगे कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे क्या तैयारी उनको करनी है जिन्हें चुनाव में उतरना है ना हम मैंने पहले चुनाव लड़ा था ना अभी लड़ना है मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र के और मेरे पूरे कार्यकर्ताओं ने मेरे साथियों ने भाइयों ने पूरे परिवारों ने चुनाव लड़ा था और उन्हें फिर चुनाव उन्हीं को लड़ना है मैं तो केवल इस क्षेत्र के सेवक के रूप में काम करना चाहता हूं क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहता हूं वो आपके सामने है पंद्रह महीने का विकास उठा ले और पैंतीस साल का विकास इस क्षेत्र इस बात को तो हम मानते हैं कि आप विधायक हैं तो लगातार आप फील्ड पर जाते हैं जनसंपर्क कंटिन्यू चलता है तो थोड़ा सा कठिनाई कम होगी लेकिन आपके पीछे जैसे और भी कई नेता हैं भाजपा कहीं और लोग कहें वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया विधायक है तमाम चीज़ें हैं तो उनके लिए क्या जवाब देना चाहते हम किसी के लिए कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं विपक्ष का काम होता है उंगलियाँ उठाना वो अपना काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में किसी भी पंचायत में किसी भी ग्राम में चले जाएं, कहीं ना कहीं इस चार साल का काम बोलता है कुछ ना कुछ हमने वहाँ किया होगा साथ में कोई शहर चार नगर नगरी नगरीय क्षेत्र हैं दो नगर है, दो नगर पंचायत आप जब महाराजपुर में एंटर हुए होंगे इसी नेंगवा गांव के लिए तो आपने एक सुंदर पार्क देखा होगा एक समाज भवन बना है उसके अंदर आप जब खुलवा के ताला देखेंगे तो कोरोना के टाइम पे दस बेड विथ ऑक्सीजन आज भी कंप्लीट हैं अगर ईश्वर चाहे ऐसी स्थिति ना बने लेकिन आज भी अगर कोई स्थिति बनती है तो वहाँ कंप्लीट बेड व्यवस्था करके हमने सुचारू रूप से रखी हुई है आपके भाषण में अभी हमने एक बहुत बड़ी बात सुनी है तो उसको हम दोहराना नहीं चाहते लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाता है जो भी विधायक बनता है आप बनते हैं पुनः बनते हैं तो उसमें आपने ये बात कही है कि हम अपनी पूरी विधानसभा बनता जो अपनी विधायक निधि है वो जनता के लिए समर्पित करेंगे और विधायक निधि नहीं हाँ ये थोड़ा सा जो हमें मूलभूत वेतन तीस मिलती है पैंतीस तीस पैंतीस है उसका हमने एक लक्ष्य बनाया है कि वो जो है मिलती है वो अपने क्षेत्र में चाहे वो गरीब कन्या के विवाह में जाए चाहे वो धर्म धार्मिक आयोजनों में जाए चाहे वो जनों के सम्मान में जाए वो निधि हम वहीं खर्च करते हैं मतलब पूरे पाँच साल की जो आपकी निधि है वो पूरे सामाजिक तो निधि नहीं वेतन जो मूलभूत वेतन हमें मिलती है उसका हम उपयोग अपने क्षेत्र के जो निर्जन है निस्सहाय हैं जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं है अगर कोई हमारे पास खबर ले आता है तो वो कभी खाली नहीं जाता है उसका उपयोग वहाँ किया जाता है एक चीज़ और बात सामने आती है कि जब विधायक निधि मिलती है जो कई लोगों की बच जाती है आपका भी कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है तो आपने अभी तक कितनी खर्च कर दी है कितने है हमें हमें वो निधि कम पड़ती है हमारी आते ही महीने दो महीने तीन महीने बढ़ जाती है और लगने लगता है कि और बढ़ जाए तो हम और क्षेत्र में और गाँव में बढ़ के निधि दें उससे विकास हो अच्छा काम हो वहाँ पर तो ये थे हमारे साथ महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं वो भले कबूल नहीं करते हैं कि ये विधानसभा चुनाव का संख्यनाथ है लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे संघर्ष का ये जो विधानसभा चुनाव है उसका दौर शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होगा वरदान एक्सप्रेस इसी तरीके से गांव जाकर गांवदारी के बारे में बताएगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का जाना शुरू हो चुका है कैमरामैन राहुल माली के साथ मैं लोकेश चौरसिया